Students, here is your question number 18, which is divided in following parts. So part first is, why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? First of all students, tungsten filament ही यूज होता है बल्ब के अंदर, और कोई फिलामेंट यूज नहीं हो सकता. सो क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि एक टंगस्टन फिलामेंट ही क्यों यूज होता है. एक्सक्लूसिवली का मीन्स यही है कि इसके अलावा और कोई चीजें इस पर्पज से हम यूज नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स, टंगस्टन फिलामेंट की आपने भी एक प्रॉपर्टी बहुत सुनी होगी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता. दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि इसको हम, जैसे कि हमें जो भी लाइट विजिबल हो पाती है एक बल्ब से, वाइट लाइट या जो भी येलोइश कलर दिखता है, उस कलर पे लाने के लिए किसी भी मेटल को बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है. उतने ज़्यादा हीट पे ये मेल्ट नहीं करता, इवेपोरेट नहीं होता. तीसरी चीज़, यही एक इकलौता ऐसा मटेरियल है, ऐसा कंडक्टर है जो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है. फिलामेंट देखते होंगे आप ऐसे ऐसे राउंड राउंड होके, और वो भी तीन चार वायर्स के ऊपर ऐसे ऐसे चिपका होता है ना, फ्लेक्सिबल भी है. सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे रीजन हैं इसके, फिलहाल हम यही लिखेंगे, बिकॉज इट डज नॉट मेल्ट एट हायर टेम्परेचर एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर, होगा ना घर में ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन मेड अलॉय रादर देन प्योर मेटल. सो स्टूडेंट्स, इनके अंदर बेसिक हमें क्या क्वालिटी चाहिए. पहली चीज, इलेक्ट्रिक आयन क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए ना. गर्म वही चीजें होंगी जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ओके, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी. एज यू नो, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, वो ज्यादा हीट पैदा करेगा. एंड अलॉयज are having much greater resistance as compared to metals, pure metals. So students, इसके अंदर answer में यही लिखना है, because of its high resistance and resistivity. Part C, why is the series arrangement not used for domestic circuits? Domestic circuits means our household purposes. Now students, series combination का एक जो main reason है, जो यहाँ पे domestic purpose में use नहीं करने के लिए हमें कहता है, वो use ये है कि series में जो switching operation है, switching operation मतलब on off, किसी एक resistance को अगर on off करना है तो वो सारे resistances off ही होंगे या ऑन ही रहेंगे. किसी एक रेजिस्टेंस में अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाए, बंद हो जाए, तो वो पूरी सीरीज बंद होगी. मींस बिकॉज ऑफ, हम इसके अंदर लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वन स्विचिंग ऑपरेशन. हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? वी ऑल नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, एंड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज इन इनवर्स रिलेशन. मीन्स इफ एरिया विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन में है ना. सो दिस इज द आंसर, इनवर्स रिलेशन. वाई आर कॉपर एल्यूमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को जैसे कि एक जगह से दूसरे पावर हाउस से घर तक लाने में जो वायर्स यूज होती हैं, वो कॉपर और एल्यूमिनियम की ही यूज होती है. क्यों यूज होती है? अब देखो, वहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी लाने में हम ऐसी मटेरियल यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो अच्छा कंडक्टर होगा. क्यों? बिकॉज वहां से यहां तक अगर करंट लाया हमने,
तो वो करंट अपनी वैल्यू ना गिरा दे, अपना पोटेंशियल ज्यादातर लॉस ना कर दे। इस कारण से हम जैसे कि हीट, अगर रेजिस्टेंस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट प्रोड्यूस हमारी तो करंट से होगी, और करंट से हीट प्रोड्यूस होगी तो वो एनर्जी लॉस है। तो वो लॉस बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिकॉज दे आर बेस्ट कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर हैं, एंड अच्छे कंडक्टर होने के साथ साथ हैविंग लो रेजिस्टेंस विच इंप्लाइज लो विच मे रिड्यूस लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस नहीं होता इन फॉर्म ऑफ हीट, लिख सकते हैं यहां पे इन फॉर्म ऑफ हीट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।